वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अक्षय कुमार एंड राहुल गांधी फनी इंटरव्यू। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके मन में क्या था कि बड़ा होके क्या बनना है? इस बात का जवाब मैं आपको बड़ा होकर देता हूँ। नमस्कार जी, मैं अक्षय। पिछले दिनों हमने मोदी जी के साथ इंटरव्यू किया और वो बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मुझे राहुल जी का फोन आया कि भैया मेरे साथ भी इंटरव्यू करो, ऐसा ही मोदी जी जैसा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, अब तो हम शूटिंग में बिजी हो गए। बोले नहीं, इंटरव्यू तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते। बोले लेकिन जगह वही होनी चाहिए, सारी चीजें वैसी होनी चाहिए, मोदी जी के बराबर। मैंने कहा ठीक है, इसलिए आज हमारे साथ राहुल जी आ गए। नमस्ते राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू, एकदम बढ़िया। नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपको बताता हूँ जी, आपने पिछली बार नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू किया जी, बेहद गलत किया। क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी मैं हूँ। हाँ। आपने किया मोदी जी के साथ जी, मोदी जी पॉलिटिकल आदमी है। अच्छा, अब देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल कैसे हूँ। हाँ। मैं जो भी स्पीच देता हूँ, हाँ, कोई भी मेरे को सीरियस नहीं लेता है। हाँ। कोई भी मेरी बातें पॉलिटिकली सीरियस नहीं लेता है। हाँ। तो देखिए भैया, नॉन पॉलिटिकल मैं हूँ, और दूसरी चीज मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। जैसे आप चिंता चिंता करते हैं जी, मैं भी चिंता चिंता करता हूँ। अच्छा। और मम्मी मेरी चिंता चिंता करती है। क्या बात है जी, क्या बात। लेकिन वो स्टेप ऐसे था, आपने ऐसे ऐसे कर जी, हमारा ऐसे है। अच्छा, तो चलिए सर, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे जी। तो पहला सवाल कि आप अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन आप कहाँ देखते हैं? आपने बात की आम की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मैंने आम की कहाँ बात की, मैं तो बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल हिसाब से अपने मतलब। भाई आप सवाल चेंज कर रहे हैं, आप वही सवाल पूछिए जो आपने मोदी जी से पूछे थे। अच्छा। क्योंकि मैं वही याद करके आया हूँ। अच्छा। आप गलत पूछ रहे हैं, वही सवाल पूछिए भैया। अच्छा अच्छा, तो आइए सर आपसे वही सवाल मैं पूछता हूँ। आप ये बताइए कि क्या आप आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो किस प्रकार से खाते हैं, क्या आपको आम खाना पसंद है? देखिए भैया, हाँ, आप सिर्फ आम खाने की बात कर रहे हैं। हाँ। आम को छोड़िए। हाँ। हमने कुछ नहीं छोड़ा खाने के मामले है? हम देखिए 2G खा गए। अच्छा। कोयला खा गए, देश में बहुत सारी चीजें खा गए, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं भैया। जी 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 सर, वो छोड़िए, वो सब छोड़िए जी। आप ये बताइए कि सब लोग कहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? सवाल अच्छा है आपका जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल पूछिए। अच्छा जी, सॉरी सर, माय मिस्टेक। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? हुआ है। अच्छा, हुआ है, हुआ है। किससे? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, और पूरे देश को जी बताना चाहता हूँ जी, कि मुझे प्यार हुआ है। अरे वाह, किससे हुआ है? वायनाड की जनता से। किससे? अमेठी से नहीं हुआ है? आप पॉलिटिकल हो रहे हैं भैया। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल। अब मैं पॉलिटिकल हो रहा हूँ? बिल्कुल। किसका इंटरव्यू ले लिया यार। अच्छा सर, प्यार की बात हो गई, तो आप ये बताइए कि शादी का विचार कभी आया, कि शादी करनी है नहीं करनी है, कैसे? आप फिर पॉलिटिकल हो रहे हैं भैया। अब इसमें पॉलिटिक्स की कहां बात आई? देखिए जी, आज आप शादी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। कल को आप कहेंगे कि भैया आप शादी कर ली। हाँ। और प्रधानमंत्री बनोगे। हाँ। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। फिर आप आरोप लगाओगे आपने बीवी क्यों छोड़ी, तो ये भैया पॉलिटिकल हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है सर, क्या मतलब जवाब दिया है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं जवाब कि ऐसा भी हो सकता है। खैर सर, ये बताइए कि जो ये कपड़ों का स्टाइल है आपका, ये जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, ये मतलब कहाँ से अडॉप्ट किया आपने कपड़ों का स्टाइल? हमारी दीदी प्रियंका जी रैलियां करती है, नई नई राजनीति में आई है जी, साड़ियां भी नई सिलवाई हैं। हाँ। तो उनके जो पुराने कुर्ते थे वो ऐसे ही फ्री पड़े थे, मैंने पहन ली। फिट हो गए? फिट तो नहीं हुए, खुले खुले तभी लगते हैं ऐसे। क्या बात है, खुले खुले लगते हैं इसलिए आप ऐसे ऐसे करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात बताइए कि जब हम कभी फ्री होते हैं तो हम घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पे, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए? बैंकॉक। हैं, बैंकॉक? सॉरी सॉरी, आजकल चुनाव का माहौल, वाई नॉट। नहीं नहीं नहीं, बैंकॉक बोला मैंने, सॉरी, बैंकॉक। वाई नॉट बेस्ट जगह है। अच्छा जी, ठीक है चलो इसको। अच्छा सर,
मोदी जी से हमने जब पूछा कि आप कितने घंटे सोते, तो उन्होंने कहा कि 3-3.5 घंटे। तो आप कितने घंटे सोते हैं? मोदी जी झूठ बोलते हैं। क्यों? वो कहते हैं हाँ कि मैं पहाड़ों में गया, मंदिरों में गया। हाँ, मैं भी पहाड़ों में गया, मंदिरों में गया। पुजारी ने कहा कि भैया ये जो मोदी जी आते हैं। नहीं नहीं, आप समझ, ये पहाड़ों में कहाँ चले गया, मैं तो आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं वही आ रहा हूँ। हाँ, वही आ रहा हूँ मैं। हाँ, अब मैं आपका सवाल भूल गया। हंसा दिया मेरा, मैंने हंसाया आपको, खुश किया मैंने। तो ताली मार दूं आपके लिए? मार दीजिए थोड़ा ऐसे। सर ये बताइए कि मोदी जी 3-4 घंटे सोते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं? मैं सोता हूँ रात को। हाँ, और उठता हूँ जब मम्मी उठाती है। हाँ, मम्मी कहती है उठ जा बेटा। हाँ, काम पे चलना है। अच्छा, तो जब मैं सोता हूँ। हाँ, और जब उठता हूँ। हाँ, तो बीच में मुझे पता नहीं चलता मैं कितनी देर सोया। और ये बात मोदी जी को कैसे पता है भैया कि वो 3.5 घंटे सोए? वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट बनाई। हाँ, और 1,000,000,000 रुपए खर्चे हुए। हाँ, आपने कहा हमने टॉयलेट बनाई। हाँ, 1,000,000,000 रुपए कमाई हुई। हाँ, तो जब टॉयलेट में कमाई हो रही है तो मोदी जी खर्चा कहाँ कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ चौकीदार। अरे कोई नहीं बोलेगा। सर एक बात बताइए, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए भैया, अगर अलाउद्दीन खिलजी का चिराग मुझे मिल जाए जी, वैसे मम्मी कहती है मुझे मिलना चाहिए। हाँ, और वो कहती है कि पिछले 70 साल से हमारे पास था। अच्छा, तो अगर मुझे चिराग मिला। हाँ, तो मैं 70 साल तक जाने नहीं दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। सर अगला सवाल अब आपके। देखिए, ये इंटरव्यू कितनी देर और चलेगा? क्यों सर, कहीं आपको जाना है? मैंने उधर भैया झूला देखा था जब आप इंटरव्यू मोदी जी का कर रहे थे। हाँ, तो मैंने झूला देखा था, वो झूला मुझे लेना है। एक दो सवाल और रहेगा, पहले झूला लेते ना भैया। अरे सर वो, अरे भैया झूला लेते हैं पहले यार, मजा आ रहा है। हाँ, इंटरव्यू में मजा आया, ये मजा मैं पूरे संसार को देना चाहता। अभी ठीक है? बिल्कुल। हाँ लीजिए। इतना मजेदार था, इतना मजेदार था, हस्बैंड तो शॉप में चले गए। मैं ये देख रहा था अक्षय कुमार जो है बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग थी पूरे अक्षय कुमार में। अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने गेटअप भी किया और एक्सप्रेशन जो ऐसे ऐसे करके, मतलब एक्शंस भी वैसी थे, एक्शन वैसे थे, हेयर कट वैसे किया हुआ था, अपना मुंह का स्टाइल वैसे किया, सब कुछ वैसे किया हुआ था। डुप्लीकेट हो सकता है एक्चुअली, तो पता नहीं मतलब ये जो है बॉलीवुड में कहीं डुप्लीकेट ना हो उनके, और डुप्लीकेट है तो वो कर रहे हैं, हो सकता है इनको अदरवाइज इनको डुप्लीकेट मिल जाएगा रोल जिस इतने अच्छे तरीके से, हो भी सकता है, आप बताइए, हो सकता है ये हो वहां पे डुप्लीकेट बॉलीवुड में। और उसके बाद जो है जो दूसरे वाले हैं वो उनका सिर्फ ये चक्कर था कि पतले थे थोड़े, अगर थोड़े मोटे हो जाएं गेटअप में आ जाएं, मगर एक्टिंग जबरदस्त कर रहे थे उन्होंने किस तरीके से कि वो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे जब भी राहुल गांधी बोल रहे हैं तो आप उनके नोट कर लीजिए किस लहजे से किस तरीके से बोलते हैं कुछ सेंटेंसेस, उनसे आप आंसर करिए। यहाँ पर भी सेम था कि उन्होंने कुछ तरीका जो है लर्न कर लिया कि ऐसे 25-30 तरीके हैं बोलने के, ऐसे ही बोलता है एक्टर 25-30 तरीके में ओरिजिनल, वैसे ही तरीके से आपको आंसर निकालिए और करिए। तो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ही यूं करना यूं करना, और जैसे बोल रहे थे वेरी वेरी नाइस। मोदी जी से जो क्वेश्चन पूछा वही पूछने, क्योंकि मैं वही तैयार करके आया हूं। उसमें बीच में उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म डाली है, एक्चुअल स्पीचेस के भी डायलॉग्स थे उसमें, उन्होंने बीच में अपनी क्रिटिसिज्म डाली है लास्ट में, जैसे कि मुझे खेलने जाना है, नहीं झूला खरीदना है, पता नहीं लेना है, नहीं झूला लेने जाना है, मतलब झूले झूला झूलना ही जाना होगा, मतलब वही झूला झूलने हैं, वही आप क्वेश्चंस करिए जो पहले हुए थे मेरे को इतने पता हैं, फिर वो वाला आ गया कि अगर आप सोते तो आपको क्या पता कितने सोए हैं, आप तो सो रहे थे, अब आप सो गए टाइम तो कर नहीं रहे थे, आप सोने के उठे हैं आपको क्या पता कितने सोए हैं, उनका लॉजिक दिखा रहे हैं कि भाई मैं सो गया, अब तो मैं उठा तो मुझे बोलो कितने घंटे सो, मुझे मैं तो सो रहा था, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं को नोट करा था टाइम वहां पे, मैं तो सो रहा था, तो मतलब जो भी उन्होंने, नहीं इसमें जो उन्होंने मजाक निकाले की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा था, बड़ा मजेदार था, मजाक निकाले मतलब लाइटर नोट पे, ये कोई सीरियस, अगर सीरियस लेना तो भैया इनका चलेगा नहीं, तो ये मतलब लाइटर नोट पे लेना, ये क्रिटिसिज्म करे लाइटर नोट पे, और जैसे बोल रहे थे कि आपसे जो सवाल बोले नॉन पॉलिटिकल पूछो, नॉन पॉलिटिकल, और मैं भूल गया क्वेश्चन,
होता भी है, ऐसा हुआ भी था, तभी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि एक आध जगह वो भूल गए होंगे और कहीं और चले गए होंगे, जैसे हुआ भी था, हमने कहीं देखे भी था। पॉइंट पे आ तो रहा हूँ, वो कह रहा है सवाल का जवाब दो, तो वो कह रहे हैं कि भी दूंगा ना, अभी मैं पॉइंट पे आऊंगा, आऊंगा पॉइंट पे आऊंगा, वो पता नहीं कब तक आएंगे, मगर क्योंकि तो मेरे ख्याल से इन्होंने उनके जो भी स्पीचेस उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसी तरीके से लर्न करके बनाया है। और अक्षय कुमार जो हैं उनको तो मेरे ख्याल से डुप्लीकेट का रोल मिल जाएगा बॉलीवुड। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी थी, गेटअप भी, जो एक्सप्रेशंस बोलने के तरीका था वो अगर आप साइड से देखो तो पूरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई अक्षय कुमार हो, पूरा दांत भी ऐसे करके मुंह करके फेस नहीं मैच हो रहा था, फेस मैच और बॉडी नहीं मैच हो रही थी, पर एक्शंस और वो सबसे पूरा पता चल जाता था ये अक्षय कुमार की। नहीं नहीं काफी क्लो अच्छा था, बहुत मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, हो करते आपने भी इंजॉय किया होगा, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।